हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपका अपने आर के वाई टेक्निक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको जीके के हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कवर कराई जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी और सारी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी सारी भी वीडियो को जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और आप लोग यदि अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन ए जैमिनी राय, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो दोस्तों, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो दोस्तों, आपको बता दिया जाए, औरत नामक चित्र का चित्रांकन जिन्होंने किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी सतीश गुजराल, ऑप्शन डी जैमिनी राय। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। और यदि चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन रॉकेट की तरह आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है आपका सतीश गुजराल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद मंसूर किसके शासन काल में के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका है जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी एम एफ हुसैन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी नंदलाल बोस। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे सभी लोग, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? तो दोस्तों, आपको बता दिया जाए, इसका जो करेक्ट आंसर आपका, एम एफ हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी नृत्य, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी चित्रकला। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से करिए सभी लोग, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है चित्रकला। जल्दी जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो। यदि चैनल पे नए नए अभी अभी जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुबनी लोक कला किस राज से संबंधित है? मधुबनी लोक कला किस राज से संबंधित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे, मधुबनी लोक कला किस राज से संबंधित है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। तो आपको बता दिया जाए, मधुबनी लोक कला जो है वो आपका बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
मोनलिसा मोनलिसा क्या है? ऑप्शन ए गायिका, ऑप्शन बी एक चित्र, ऑप्शन सी फ्रांसीसी गुप्तचर, ऑप्शन डी उपन्यास। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। मोनलिसा क्या है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, मोनलिसा एक चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी बौद्ध काल, ऑप्शन डी हड़प्पा काल। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो आपको बता दिया जाए, अजंता काल जो है आपका दोस्तों वो गुप्त काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से सॉरी निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन डी सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दो क्लास को और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी पंचतंत्र। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, अजंता के चित्रकारी में जातक को निरूपित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए जनक, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी याज्ञ वल्लक वल्कय, ऑप्शन सी वादरायण। तो दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी यहूदी धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी पारसी धर्म। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अग्निगिरी किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर आपका पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका, चोल राजाओं ने शैव धर्म का संरक्षण दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ा महाकाव्य है? सबसे बड़ा महाकाव्य है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी फेरी क्वीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, सबसे बड़ा जो महाकाव्य आपका है महाभारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से करिए। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, इनमें से जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पर्याय है आपका अहिंसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी शंकराचार्य। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं। आप सभी का हमारे RKY टेक्निक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके RKY टेक्निक चैनल पर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो है कराई जाती है, लाइव सेशन के माध्यम से भी और ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से भी। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, क्वेश्चन आपका है जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जिसने चलाया था वो आपके थे रामानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते हुए जाएंगे। किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों जिसके शासन काल में जो है राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, अकबर के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। जल्दी जल्दी से आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, त्रिपिटक का जो धार्मिक ग्रंथ है आपका वो बौद्ध धर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए फटाफट। तो आपको बता दिया जाए, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या जिस राज्य में सबसे ज्यादा है वो राज्य आपका महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा मसीह का जन्म स्थल है, ईसा मसीह का जन्म स्थल है ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मैसिडोनिया, ऑप्शन सी बेथलेहम, ऑप्शन डी बगदाद। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, ईसा मसीह का जन्म स्थल है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, ईसा मसीह का जो जन्म स्थल आपका है बेथलेहम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी वैष्णव मत, ऑप्शन सी जैन मत, ऑप्शन डी सिख मत। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से करिए, अनेकांतवाद निम्न में से किसका कोड सिद्धांत है? सभी लोग आंसर करते हुए जाएंगे, आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का। आपको टाइम दिया जा रहा है तो आंसर करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी ने काफी अच्छा आंसर किया इस क्वेश्चन का। तो आप सभी को बता दिया जाए, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जैन मत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन आपका, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो दोस्तों आपको बताना है प्रभास गिरी जिनका स्थल है वो कौन थे। ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जैन। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी देवीपाटन, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी सारनाथ। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका कौशाम्बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी बोधगया। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो आपको बता दिया जाए, वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वो आपका है सांची। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माता जी किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन ए कोसल वंश, ऑप्शन बी शाक्य वंश, ऑप्शन डी माया वंश, ऑप्शन डी लिच्छवी वंश। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कौशल वंश से संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सभी लोग। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ऑप्शन ए अड़ोजा, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी जमाली, ऑप्शन डी यशोदा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो आप लोग। तो आपको बता दिया जाए, महावीर का प्रथम अनुयायी जो था दोस्तों आपका वो जमाली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था। ऑप्शन ए नेमी, ऑप्शन बी शंभव, ऑप्शन सी नाथ मुनि, ऑप्शन डी चंद्रप्रभा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका नाथ मुनि। क्वेश्चन आपका, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। भारत का प्राचीनतम दर्शन है। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी वैशेषिक। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जो भारत का प्राचीनतम दर्शन जो है आपका वो है सांख्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गौतम। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका, सांख्य दर्शन का संस्थापक जो माना जाता है आपका वो कपिल को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी पतंजलि। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं आपके पतंजलि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए
मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी जो है मध्वाचार्य, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी डी नागार्जुन। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते जाएंगे इस क्वेश्चन का। दोस्तों करेक्ट आंसर आप सभी का हो रहा है, शून्यवाद के जो प्रतिपादक हैं आपके वो नागार्जुन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए शैव धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अष्टांगिकी मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका, अष्टांगिकी मार्ग जो संबंधित आपका वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी नानक। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है वल्लभाचार्य जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी रघुलोभद्र, ऑप्शन सी मखली गोसाल, ऑप्शन डी आनंद। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी जल्दी से, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे आपके मखली गोसाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्याय दर्शन का लेखक था। न्याय दर्शन का लेखक कौन था। ऑप्शन ए कड़ाद, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी बादरायण, ऑप्शन डी गौतम। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, न्याय दर्शन का लेखक था। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, न्याय दर्शन का जो लेखक था आपका वो गौतम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी वेदांत से, ऑप्शन सी मीमांस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से कर दीजिए। तो आप सभी को दोस्तों बता दिया जाए, कर्म का सिद्धांत संबंधित जो है आपका वो मीमांसा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी केरल। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म केरल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किसने कहा था, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ऑप्शन ए बौद्धों ने, ऑप्शन बी आजीविकों ने, ऑप्शन सी मीमांसकों ने, ऑप्शन डी जैनियों ने। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही आंसर है,
आजीविकों ने कहा था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन जो है आपका सी राजस्थान, ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, सरहुल पर्व का संबंध जिस राज्य से है वो झारखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, ओणम जो है जिस राज्य का प्रमुख त्यौहार है वो आपका केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, पोंगल जो है आपका किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, पोंगल जिस राज्य का प्रमुख त्यौहार है वो आपका तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, वैसाखी जो है आपका पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विशु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? विशु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, विशु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है, विशु पर्व भारत में जो अधिकतम मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी तिब्बत में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है आपका वो सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी इस्लाम। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने के साथ साथ, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, कालचक्र उत्सव जिस धर्म से संबंधित है वो धर्म आपका बौद्ध धर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ईसा मसीह के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में क्या मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी क्रिसमस, ऑप्शन सी ईस्टर, ऑप्शन बी पाप संडे संडे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 99% लोग देंगे मुझे उम्मीद है, तो जल्दी जल्दी से आंसर सभी लोग कर डालिए, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, आप लोग जो है कैसे इसका
क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कितने लोग सही करते हैं देखता हूँ। चलिए सभी लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने काफी अच्छा आंसर किया, जो लोग आंसर किए हैं चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको बता दिया जाए, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में जो मनाया जाता है वो क्रिसमस मनाया जाता है। चलिए इसी क्रम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन है आपका ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो दोस्तों आपको यदि पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में जो त्योहार मनाया जाने वाला है वो कौन सा त्योहार है। ऑप्शन ए गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी आपका है क्रिसमस, ऑप्शन सी ईस्टर, ऑप्शन डी है पाम संडे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कर डालिए जल्दी जल्दी से, चलिए आंसर करिए। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में जो मनाया जाने वाला त्योहार है आपका ईस्टर है। तो दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन है बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है। तो दोस्तों बसंत का स्वागत जो है कौन भारतीय त्योहार करता है। ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी पोगल, ऑप्शन सी ओणम, ऑप्शन डी वसंत पंचमी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है। तो दोस्तों वह कौन सा त्योहार है जिसका स्वागत भारतीय त्योहार करता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बसंत पंचमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में जो हमारा कुंभ मेला लगता है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि मध्य प्रदेश में जो है कुंभ मेला कहाँ लगता है। का ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी रीवा। तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है आपका उज्जैन में लगता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रथ यात्रा वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है। रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन ए द्वारिका में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी अयोध्या में, ऑप्शन डी वाराणसी में। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए, रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, रथ यात्रा का वृहत उत्सव जो आयोजित होता है पुरी में आयोजित होता है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी हिंडोन, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी धौलपुर। आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से करिए। आप लोग बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो रहा है, प्रसिद्ध केला देवी मेला जो आयोजित होता है आपका करौली में आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है। ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी से, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए,
राजस्थान का पुष्कर मेला फरवरी माह में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वह किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वह किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1986 में। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों आपका जो प्रारंभ किया गया था वो 1990 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन आपका, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया। तो दोस्तों मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से करिए। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, मुगलों ने नवरोज का त्योहार जो लिया था, ऑप्शन ए यहूदियों से, ऑप्शन बी पारसियों से, ऑप्शन सी मंगोलों से, ऑप्शन डी तुर्कों से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका, मुगलों ने नवरोज का त्योहार जो लिया था आपका, वो आपका पारसियों से लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब चारकूट त्योहार मनाया जाता है, जब चारकूट त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए। जब चारकूट त्योहार मनाया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जब चारकूट त्योहार मनाया जाता है, करेक्ट आंसर दोस्तों आप सभी का है मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दोस्तों, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका देवीधुरा, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चंपावत, ऑप्शन डी लोहाघाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करते हुए जाएंगे, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका, बगवाल मेला जो लगता है आपका देवीधुरा में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरेला क्या है? हरेला क्या है? ऑप्शन ए एक स्थान, ऑप्शन बी त्योहार, ऑप्शन बी सी है सब्जी, ऑप्शन डी फल। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, हरेला क्या है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, हरेला जो आपका है ये त्योहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्वत के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के लिए मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी नागपंचमी, ऑप्शन सी दशहरा, ऑप्शन डी दिवाली। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है दोस्तों दीपावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करते हुए जाएं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी का हो रहा है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार जो
जो मनाया जाता है श्रावण माह में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए त्रिपुरा में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो रहा है बाबा गरिया पूजा त्योहार जो मनाया जाता है त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। आप लोग का हमारे इस चैनल आरके वाई टेक्निक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो लोग नए नए आए हुए हैं अभी उनका भी, और जो ऑलरेडी हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर बन चुकी है उनका भी हमारे आरके वाई टेक्निक चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी बाराबंकी में, ऑप्शन डी इटावा में। चलिए चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों वो आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए छठ, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दीपावली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका छठ में, छठ में जो है सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ये बिहार राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों में के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? ऑप्शन ए देवी धुरा मेला, ऑप्शन बी जो है जौल जीवी मेला, ऑप्शन सी गौचर मेला, ऑप्शन डी गेंद मेला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा है देवी धुरा मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पोंगल किस राज्य की चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का चर्चित पर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी द्वारिका, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका वो माउंट आबू में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अजमेर। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है आपका वो अजमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, अधिष्ठात्री देवी कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर करिए, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? ऑप्शन ए भागवती दुर्गा, ऑप्शन बी भगवती लक्ष्मी, ऑप्शन सी भगवती सरस्वती, ऑप्शन डी भगवती पार्वती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग,
भोजशाला मंदिर की अष्टात्री देवी कौन है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका भगवती सरस्वती जी जो हैं भोजशाला मंदिर की अष्टात्री देवी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एक मंदिर माना जाता है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांची में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी उज्जैन में, ऑप्शन डी मथुरा में। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है दोस्तों उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, केवल एक ही मंदिर है, वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी द्वारिका, ऑप्शन डी उज्जैन। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, भारत में ब्रह्मा का केवल एक मंदिर जो है आपका, वो पुष्कर में स्थित है। तो दोस्तों सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि हमारा क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो में आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लाइक कर दें। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर जो है आपका, वो कैंडी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खुजराहो में, ऑप्शन बी उज्जैन में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी इंदौर में। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, 64 योगिनी मंदिर जो है आपका, वो खुजराहो में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुष्कर में, ऑप्शन बी माउंट आबू में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी उदयपुर में। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, सास बहु मंदिर जो स्थित है आपका, उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी धाम कहलाता है, उत्तरी धाम कहलाता है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी द्वारिका, ऑप्शन डी मैसूर। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तरी धाम कहलाता है। तो दोस्तों उत्तरी धाम जो कहलाता है आपका, बद्रीनाथ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी द्वारिका, ऑप्शन डी मैसूर। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, गोवर्धन जो पीठ है आपका, पुरी में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए रुद्र प्रताप, ऑप्शन बी राजा जो है फड़ीमुकुट राय, ऑप्शन सी राजा पूरनमल, ऑप्शन डी शिव बालक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है राजा पूरनमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनाए? एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए? ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी चालुक्यों ने, ऑप्शन डी पल्लवों ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, एलोरा की पहाड़ी मंदिर जिसने बनवाया था, वो राष्ट्रकूटों
राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनवाया था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनाया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, चामुंडा माता मंदिर जो स्थित है आपका, वो राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी चमोली। सॉरी दोस्तों, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? और आपको बता दिया जाए, कल संडे को आपकी जो है मैराथन होने वाला है, तो उस लाइव क्लास में आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मैराथन क्लास में आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मैराथन में आपके सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कराया जाएगा। अभी तक इस हफ्ते में जितने क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, सभी क्वेश्चनों का रिवीजन कराया जाएगा। तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि रिवीजन से ही आप आगे बढ़ेंगे। आपको रिवीजन में जो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं, रिवीजन में क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं, रिवीजन एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र है जो आपको एग्जाम में काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस करने पर तैयार कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग रिवीजन क्लास जरूर लें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन दिख रहा है उसको तोड़ दीजिए आप लोग। आप लोगों का सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में 1 रुपए का खर्च नहीं आता है। तो दोस्तों आप अपने जो है इस RKY टेक्निक को सपोर्ट कर पूरा योगदान दें और अपना जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पूरा फायदा उठाएं। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका चमोली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित चिनागांग किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे पहले निर्मित चिनागांग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत में सबसे पहले निर्मित चिनागांग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी जैन तीर्थकर, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान बुद्ध। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका जैन तीर्थकर को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी शाहजहां। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए,
दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जिसने कराया था, शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन आपका, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बहाई, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी यहूदी, ऑप्शन डी हिंदू। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल जिस धर्म से संबंधित है, करेक्ट आंसर है बहाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध तिरपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध तिरपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी भद्राचल भद्राचलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रसिद्ध त्रिचा जो है त्रिपाल मंदिर जो अवस्थित आपका हम्पी में अवस्थित है। क्वेश्चन आपका, सांची का महान स्तूप है, सांची का महान स्तूप है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग बताइए, सांची का महानतम स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, सांची का महानतम स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वारसूर, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी औरंग, ऑप्शन डी ताला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है, मामा भांजा का जो मंदिर स्थित है वो वासुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल कहाँ कहलाता है? क्या कहलाता है? हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विहार, ऑप्शन बी अग्नि मंदिर, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन सी सिनांग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल जो कहलाता आपका वो मंदिर कहलाता है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है? ऑप्शन ए मजार, ऑप्शन बी चर्च, ऑप्शन सी सिनागॉग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए, यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है, यहूदियों का जो पूजा स्थल कहलाता है सिनागॉग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ऑप्शन ए मजार, ऑप्शन बी चर्च, ऑप्शन सी अग्नि मंदिर, ऑप्शन डी विहार। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, पारसियों जो है पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है ऑप्शन ए मजार, ऑप्शन बी चर्च, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी मंदिर। तो दोस्तों ऑप्शन जो है डी है विहार, करेक्ट आंसर आपका अग्नि मंदिर। चलिए सभी लोग एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें सभी लोग। क्वेश्चन आपका, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका, आप लोग बताइए, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो करेक्ट आंसर आपका बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऐसे कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। तो आपको बता दिया जाए, ऐसा राज्य जो है जिसमें अधिकांश निवासी ईसाई है वो आपका राज्य मणिपुर है। क्वेश्चन आपका, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन बी 20। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है,
18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन ए मध्वाचार्य, ऑप्शन बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं आपके मध्वाचार्य हैं। क्वेश्चन आपका, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, ऑप्शन ए द्वैत सिद्धांत, द्वैत वेदांत, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी अद्वैत वेदांत, ऑप्शन डी द्वैत द्वैतता द्वैत। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सभी लोग करेक्ट आंसर आप सभी का है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी योग दर्शन, ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन डी न्याय दर्शन। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका न्याय दर्शन। क्वेश्चन आपका, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सलारगंज जो है, सलार जंग है, सॉरी सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, सलारगंज संग्रहालय जो स्थित है आपका हैदराबाद में स्थित है। सभी लोग कल की लाइव क्लास जो है 6 बजे आपकी जो है मैराथन होने वाला है, 6 बजे लाइव क्लास के माध्यम से मैराथन होगा, तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल मत मिस करिएगा। उसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे अब तक के पिछले हफ्ते के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए चंडीगढ़ चंडीगढ़, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी अमृतसर। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपका जालियांवाला बाग जो स्थित है वो अमृतसर में स्थित है। सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए सभी लोग। भाई लोग अभी तक बहुत लोग ऐसे हैं जो ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं वीडियो को और ना ही लाइक किए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है तो आपका हक बनता है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी कोलकाता। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बंगलोर। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका विश्वविख्यात जो रॉक गार्डन है वो आपका दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा लाइव सेशन आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रॉकेट की तरह मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल जो है आपका मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।